आदरणीय मोदी जी, मंगल प्रणाम। डियर मोदी जी, आप राष्ट्र के नाम अपना संदेश मन की बात द्वारा प्रसारित करते आए हैं। हम भी उसी तर्ज पर 1.5 करोड़ गोरखाओं की मन की बात आपको सुना रहे हैं। गौर फरमाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा नाम सीके श्रेष्ठ है। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, ना ही किसी संगठन का नेता हूं। मैं एक मामूली सांस्कृतिक कर्मी और सामाजिक चिंतक हूं और गोरखा जाति का एक साधारण सा सदस्य हूं। भारत के 1.5 करोड़ गोरखाओं की तरह मेरी भी यही आकांक्षा है कि भारत में गोरखा जाति को एक भारतीय राष्ट्रीय पहचान मिले और भारतीय होकर गर्व से जीने का अधिकार भी। दरअसल इसी बात को समझाने के लिए हम लोगों ने दार्जिलिंग से एक भाजपा सांसद सुरेंद्र आलूवालिया को भारी बहुमत से जिताकर भेजा भी था, पर आज तो वो खुद कह रहे हैं कि दार्जिलिंग के बहुत सारे गोरखा तो पड़ोसी मुल्क नेपाल से हैं। जब खुद के भेजे हुए लोग इस तरह हमें मिसरिप्रेजेंट करने लगे और हमारी ही जड़ें काटने में लग जाएं, तो फिर सोशल मीडिया से आपको डायरेक्ट संबोधन करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा हमारे लिए। डियर मोदी जी, अब आप भी ये मत पूछिए कि गोरखा कौन है। अरे कितनी बार बताएं कि गोरखा वही जाति है जिसने आज तक भारत राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अपनी जान की बाजी लगाती आई है, जिस नस्ल की ईमानदारी और वफादारी की मिसाल देते देश और देश के नेतागण नहीं थकते। कितनी बार और समझाएं कि गोरखा वही कौम है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से लेकर नेताजी की आजाद हिंद फौज तक में सम्मिलित होकर अमूल्य योगदान दिया था। और डियर मोदी जी, गोरखा वही बिरादरी है जिसने स्वतंत्रता के बाद भी आधुनिक भारत के निर्माण में, चाहे वह सामरिक क्षेत्र हो या औद्योगिक, चाहे वह खेल जगत हो या कला सृजना क्षेत्र, सभी में अव्वल दर्जे का काम किया है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी गोरखाओं ने भारत का नाम रोशन कर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और क्या क्या बताएं, और कितना बताएं, और कितनों को बताएं, और क्यों बताएं? अब तो बड़ी पीड़ा होती है, ग्लानि भी होती है। सच में ये क्या है, कैसा देश है भाई? पर डियर मोदी जी, इन सब बातों को आधार बनाकर हमने देश के लिए इतना कुछ किया और देश ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया कहने के लिए हम यहां आपके सामने नहीं आए हैं ना। देश सेवा तो हर देशभक्त जाति का कर्तव्य है और इस सेवा की एवज में कुछ मांगना सरासर बेमानी है, ऐसा हम सोचते हैं। अपना देश है भाई, यह सेवा तो हमें हर हाल में करनी ही है। वंचित तो है, पर उस वंचना के लिए हम देश को कटघरे में खड़ा करने वालों में से नहीं है। हम देश की गर्दन को गढ़ासे की धार पर रखकर अपनी डिमांड बनाने वालों में से नहीं है। डियर मोदी जी, कुछ भी कहिए, गोरखा देशद्रोही और एहसान फरामोश जाति नहीं है। डियर मोदी जी, पता नहीं 1.5 करोड़ भारतीय गोरखाओं के बारे में आप ये सब बातें जानते भी हैं या नहीं, पर दार्जिलिंग के 8-10 लाख गोरखाओं को तो आप जरूर पहचानते होंगे। हाँ, वो गोरखाओं का सपना, मेरा सपना, क्योंकि ये वही जमात है जिसने सन 2009 में भाजपा प्रत्याशी जसवंत सिंह जी को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दिलाई थी, जबकि वहां के लोग जसवंत जी को पहचानते तक न थे और भाजपा उन लोगों की पार्टी भी नहीं थी। यह भी सभी को पता है कि 2009 में दार्जिलिंग को तो छोड़िए, पूरे बंगाल में कमल का फूल तो दूर पौधे तक नजर नहीं आते थे, पर भाजपा को जिताना तो था ही। क्यों? क्योंकि जसवंत जी ने चुनावी प्रचार में जय महाकाली आयो गोरखाली अनि गोरखालैंड जिंदाबाद के नारे जो लगाए थे। जसवंत जी तो जीत गए, पर गोरखा जाति जीता कर भी हार गई। फिर आया 2014 और डियर मोदी जी, उसी दार्जिलिंग के गोरखाओं ने आपकी चुनावी घोषणा गोरखाओं का सपना मेरा सपना के ऊपर विश्वास कर फिर एक बार भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र आलूवालिया को भारी बहुमत से जिताया
हाँ, वही आलूवालिया जो आज दार्जिलिंग के गोरखाओं को बेहिचक नेपाल से आए हुए लोग बता रहे हैं और आप सभी इस बयान के ऊपर मौन व्रत धारण कर बैठे हैं। डियर मोदी जी, 2009 में लोकसभा में आप लोगों की बहुमत नहीं थी, हम मानते हैं इस बात को, पर 2014 की लोकसभा में तो भाजपा को भारी बहुमत मिला था, पर गोरखाओं के भाग में वही ढाक के तीन पत्ते, न नौमन तेल हुआ न राधा नाची। डियर मोदी जी, आपने गोरखाओं का सपना मेरा सपना कह तो दिया, पर हम लोग आज तक समझ नहीं पा रहे हैं कि इस घोषणा के पीछे आपकी मंशा क्या थी, क्योंकि आज आप ही के राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्त भाजपा ने गोरखालैंड को कभी समर्थन ही नहीं किया कह रहे हैं। जो भी हो, गोरखाओं ने आपके वचन के ऊपर विश्वास किया था और आपकी पार्टी के ऊपर भरोसा किया था, और इसी भरोसे के चलते केंद्र के भाजपा नेताओं से फरियाद करने इस बार गोरखाओं के बहुत से राजनीतिक और अराजनीतिक दलों के नुमाइंदे दिल्ली चले गए थे, पर स्पष्ट जवाब कहीं से भी नहीं मिला, तस्वीर भी धुंधली और बेनतीजन ही रही। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से ही सही यह बात खुलकर सामने आई कि केंद्र सरकार गोरखाओं के लिए एक अलग राज्य के गठन को लेकर उतना उत्साही नहीं है। जाने वालों को अनेक दलीलें देकर समझाने की और शांत करने के प्रयास किए गए, जैसे कि गोरखालैंड का क्षेत्र संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा क्षेत्र होने के कारण इस राज्य की गठन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की संभावना, और इस छोटे गोरखा राज्य के निर्माण से अन्य बाहरी राज्यों में चित्री हुई 1 करोड़ से भी ज्यादा गोरखा आबादी को प्रत्यक्ष फायदा मिलना नामुमकिन है, वगैरह वगैरह वगैरह। डियर मोदी जी, आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बात केवल इतनी सी नहीं है, इतनी सी नहीं है बात, राजनीति में अनकही बातों का विशेष महत्व रहता है। दरअसल इस मुद्दे के संदर्भ में आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते, ये आपकी बाध्यता है क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से हैं, लेकिन हम तो मुक्त हैं, इसलिए लीजिए हम ही कह देते हैं। लोकसभा में बंगाल से 42 सांसद जाते हैं जो केंद्र में सरकार गठन के लिए एक बहुत बड़ी और प्रभावी संख्या है, और ये सभी बंगाल के 42 सांसद जिस किसी भी पार्टी से हो, इंक्लूडिंग भाजपा, सभी बंगाल विभाजन के विरोध में थे, विरोध में है और विरोध में रहेंगे। गोरखालैंड मुद्दे का पेच यहीं आकर फंसा है, यही है वो अनकही बात। डियर मोदी जी, भाजपा से तो ममता दीदी की पार्टी कहीं ज्यादा स्पष्टवादी निकली, उन्होंने बिना कोई लाग लपेट गोरखालैंड के मुद्दे को सिरे से खारिज किया और कहा बंगाल विभाजन होवे ना। दीदी ने कहा यह दार्जिलिंग का विकास का मुद्दा है, हम विकास देकर ही हल करेंगे, पर उनका तो क्षेत्रीय दल है ना, सो दृष्टिकोण तो क्षेत्रीय रहेगा ही, दार्जिलिंग केंद्रित, उनको तो बस दार्जिलिंग पहाड़ को ही खुश रखना है जो दिलो जान से प्रयास कर रही है। पर डियर मोदी जी, आपकी तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, और इसीलिए इसकी सोच भी राष्ट्रीय ही होनी चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ठीक है, बंगाल का विभाजन करके आप भी यहाँ के 42 सांसदों को नाखुश करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इससे भाजपा की बंगाल दिग्विजय का सपना गड़बड़ा जाएगा। पर डियर मोदी जी, आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि भारत के हर प्रांत से भाजपा ही नहीं बल्कि आरएसएस, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद, विद्या भारती, आदिवासी कल्याण आश्रम, हमरो स्वाभिमान और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे अनेक भाजपा सहयोगी संस्थाओं में बरसों से गोरखा जाति के लाखों समर्थक जुड़े हुए हैं। ये भाजपाई गोरखा भाजपा के साधारण सदस्य से लेकर भाजपा के सांसद, विधायक, राज्य अध्यक्ष, राज्य सचिव और जिला अध्यक्ष, जिला सचिव तक के पद में रहकर सेवा कर रहे हैं बरसों से, और ये सब भाजपाई भी
गोरखा जाति से होने के कारण राष्ट्रीय पहचान भ्रम की मार को वर्षों से झेलते आ रहे हैं। अब यह आप जरूर कहेंगे कि भाई हम गोरखालैंड तो दे नहीं सकते, पर गोरखाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डियर मोदी जी, ये बात तो आपको जरूर पता होगी कि संघीय गणतंत्र में गोरखा जैसे अल्पसंख्यक जनगोष्ठियों को राष्ट्रीय पहचान तभी मिलती है जब उसे राष्ट्रीय शासन में भागीदारी मिलती है, अ पार्टिसिपेशन इन द नेशनल गवर्नेंस। अगर गोरखाओं का अलग राज्य बनता तो यह भागीदारी मिल सकती थी, पर राज्य न भी मिले तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना हो जिसके द्वारा गोरखाओं को राष्ट्रीय शासन में भागीदारी मिल सके। सीधी सी बात है डियर मोदी जी, शायद ये बात आप तक पहुंची न हो, पर भारत के विभिन्न प्रांतों से भाजपा और भाजपा सहयोगी संस्थाओं के पदाधिकारी, भाजपाई गोरखाओं ने इसी मसले पर राष्ट्रीय चिंतन बैठक आयोजित कर गोरखाओं को राष्ट्रीय शासन में भागीदारी मिल सके इस तरह के एक वैकल्पिक समाधान को प्रस्ताव रूप में ग्रहण किया था। इस समाधान में बताया गया था कि बंगाल का विभाजन किए बगैर भी भारत के 1.5 करोड़ गोरखाओं को किस संवैधानिक व्यवस्था अंतर्गत राष्ट्रीय पहचान मुहैया कराई जा सकती है। गोरखा भाजपाई सांसद, विधायक, राज्य अध्यक्ष, राज्य सचिव, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और भाजपा समर्थक बहुत ही संगठनों के जिम्मेदार गोरखा पदाधिकारियों के सहमति और उपस्थिति में यह वैकल्पिक समाधान का प्रस्ताव लिया गया था। यह प्रस्ताव भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव शिव प्रकाश जी, बंगाल राज्य प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय जी और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष जी के अलावा भाजपा के बहुत सारे शीर्ष नेताओं को दार्जिलिंग भाजपा अध्यक्ष द्वारा प्रेषित हो चुका है। डियर मोदी जी, हमें अति खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रस्ताव को भेजे हुए काफी अरसा बीत चुका, पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस तरफ कोई पहल ही नहीं की गई। ओके, गोरखालैंड दे नहीं सकते हैं, पर गोरखाओं की राष्ट्रीय पहचान के लिए अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा सुझाई गई वैकल्पिक समाधान में भी आप लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। यह वैकल्पिक समाधान संभव भी है या नहीं, इस विषय में बात करने की रुचि तक आप लोगों ने नहीं दिखाई है। इस रवैये से हम यह क्यों न समझें कि केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय पार्टी भाजपा को दार्जिलिंग का केवल 1 लोकसभा सीट के अलावा भारत के बाकी गोरखाओं से और कोई सरोकार ही नहीं। भारत के 29 राज्यों में फैले हुए 1.5 करोड़ भारतीय गोरखाओं के 100 साल से भी ऊपर की समस्या का समाधान का लोड दार्जिलिंग का 1 लोकसभा आसन के ऊपर डालना सरासर विवेकहीन सोच नहीं है क्या? अब आ रहा है 2019 का चुनाव। डियर मोदी जी, इस बार भारत के गोरखा भाजपाई असमंजस में है कि इस चुनाव में कौन सा मुद्दा लेकर मैदान में उतरे, क्योंकि गोरखाओं को आज तक भाजपा की तरफ से आश्वासन के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और गोरखाओं के लिए भाजपा ने इस बार आज तक कोई एजेंडा तय नहीं किया है। और स्वपन दास गुप्त जैसे राज्यसभा सांसद और सुरेंद्र आलूवालिया जैसे केंद्रीय मंत्री के रहते गोरखाओं के हक में भाजपा कोई एजेंडा तय भी कर पाएगी क्या? बिना किसी ठोस एजेंडा के आपके गोरखा भाजपाई इस बार किस आधार पर वोट मांगने जाएंगे? इस चुनाव में गोरखा भाजपाई बिना हथियार के ऐसे सैनिक बने हैं जिसे युद्ध तो जीतना है मगर खाली हाथ, और खाली हाथ सैनिकों का जंग के मैदान में क्या हश्र होता है ये बताने की जरूरत नहीं। डियर मोदी जी, गोरखाओं का तो बस एक ही सपना है कि ऐसी एक संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना हो जिससे राष्ट्रीय शासन में उन्हें भी भागीदारी मिले और उसी व्यवस्था द्वारा गोरखाओं को राष्ट्रीय पहचान भी पुख्ता हो जाए। डियर मोदी जी, भाजपा को अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की
और आपकी गोरखाओं का सपना मेरा सपना कथन को ईमानदारी पूर्वक साकार करने का यही एक आखिरी मौका है। ये बात आप समझ लीजिए, यही है डियर मोदी जी भारत के राष्ट्रभक्त गोरखाओं की मन की बात। जय गोरखा, जय हिंद।